breaking down. Everybody knows I ain't faking. तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। फिलहाल इस वाली वीडियो में आप सभी को यार बोनस चैलेंज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ऑफिशियली निकल के आया है उसके बारे में बता दूंगा। एंड साथ ही में आपका जो मैकलेरन है, मैकलेरन का स्किन है, वो भी GMI में आने वाला है, और जो लोग भाई निकाले थे उनको मिलने वाला है विदाउट भैया यूसी फूके, भैया आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही में आप सभी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है डाटा ट्रांसफ़र के ऊपर, उसके बारे में मैं बता दूंगा फुल डिटेल कैसे उसको सॉल्व करना है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तबाही होने वाला है बोनस चैलेंज और ये सब, भैया देख लेना। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। एंड यहाँ पे हमारी वीडियो पे आप सभी को शाउट आउट दिया जाता है जो लोग सबसे पहले कमेंट करते हैं। तो गाइज आप भी कोशिश करना सबसे पहले कमेंट करने की और हमारी वीडियो में अपना नाम लाने की। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला नाम निकल गया हमारे भाई का, अभिषेक मौर्या। एंड यहाँ पे कॉक्स गेमिंग, यस गेमिंग। तो यहाँ पे इन्होंने यार हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया था। अगर आपको भी लेना है शाउट आउट तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी को पूरा डिटेल बताते हैं बोनस चैलेंज, मैकलेरन और डाटा ट्रांसफर प्रॉब्लम के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आप सभी के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप सभी का क्वेश्चन था भाई बोनस चैलेंज हमको कब BGMI में देखने को मिलेगा, उसका डेट क्या रहने वाला है। और यार हम जो पॉइंट अर्न किए थे 600 UC रिडीम करने के लिए, वो हमारा वापस होने वाला है कि नहीं। पूरा मतलब कॉइन जो हम अर्न किए थे उसमें भैया हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके, वो वापस होगा कि नहीं, हम रिडीम नहीं लगा पाए थे भाई। तो आप मेरे को बता दीजिए कि भाई वापस होने वाला है कि नहीं। तो गाइज इस वीडियो में पूरा डिटेल आप सभी को मिल जाएगा। एंड हाँ, मैकलेरन के बारे में भी डिटेल है एंड डाटा ट्रांसफर के बारे में भी है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो यार सबसे पहला जो सवाल था वो था कि भाई हमारा जो कॉइन है वो वापस आने वाला है कि नहीं बोनस चैलेंज में, उसके बारे में भाई आप कुछ बता दो। तो गाइज आप सभी को एकदम ऑफिशियली मैं आप सभी को बता देता हूँ यार, आपका कॉइन एकदम ही वैसे ही आने वाला है जैसे आपने अर्न किया था। अब आप बोलोगे भाई कैसे, तो गाइज आप सभी को पता है यार कि BGMI का मतलब पबजी का जो डाटा है वो सेम एकदम एज इट इज़ कॉपी हुआ है अपना BGMI में। तो गाइज इतना तो श्योर है आप सभी का वो कॉइन एकदम सेफ वापस आने वाला है और आप फिर से वही रिडीम लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि भाई बोनस चैलेंज कब हमको BGMI में देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में मैं आप सभी को एक डिटेल बता देता हूँ। और भाई कुछ लोगों का यार क्वेश्चन था कि BGMI में जो है वो बोनस आने भी वाला है या नहीं आएगा, कि मतलब आएगा ही नहीं। तो उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भाई बोनस चैलेंज आपको 100% देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है भाई कि आप जब डाटा ट्रांसफ़र किए हो पबजी से BGMI में, तो आप सभी को एक चीज़ देखने को मिला है जो है आपका बोनस चैलेंज वाउचर, वो आप सभी को यार आपके अकाउंट में देखने को मिला है। तो 100% यार बोनस चैलेंज आप सभी को देखने को मिलेगा। और डेट क्या रहने वाली है उसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइज डेट आप सभी का है जो है वो 14 तारीख को हो सकता है। एंड अगर 14 तारीख को नहीं आता है तो गाइज आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर पबजी टूर्नामेंट लिखा था, तो उसको सही से करने के लिए अब वो एकदम मॉडिफाइड करेंगे फिर आपको देंगे। तो इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइस कि आप सभी को बोनस चैलेंज आप सभी को कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा, बट देखने को जरूर मिलेगा। अब क्यों गया है आप सभी को पता होगा, पबजी टूर्नामेंट वहाँ पे लिखा है एंड वहाँ पे हेट है भैया पबजी से BGMI वालों को। तो इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं आप सभी के मैकलेरन के बारे में, जो कि आप सभी ने 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 UC फूक के भैया पबजी में निकाला था। तो गाइस वो वापस आने वाला है कि नहीं, आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो उसका प्रूफ भी मैं देने वाला हूँ। तो गाइस आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि भाई मैकलेरन हमारा जो है वो पबजी से जब हमने डाटा ट्रांसफ़र किया तो वो वापस क्यों नहीं आया।
तो गाइज उसके आप सभी का मैं प्रूफ दिखा देता हूँ क्या था भाई। वहाँ पे आप सभी अगर नंबर प्लेट होता है उसको देखोगे तो वहाँ पे पबजी लिखा हुआ था, इसीलिए आपका भाई मैकलरन नहीं देखने को मिला है और वो अब मॉडिफिकेशन हो गया है उसका। तो यार आप सभी को जल्दी आप सभी का मैकलरन आपकी आईडी में देखने को मिल जाएगा, आपका यूसी वेस्ट नहीं जाने वाला गाइस। तो जितना भी पैसा आपने मैकलरन के ऊपर वेस्ट किया था वो आप सभी का यार अब मिलने वाला है। तो चिंता मत लो आप सभी को किस तरह मिलेगा, मेल बॉक्स में भी मिल सकता है एंड अदर जगह से भाई अब डायरेक्ट भी आ सकता है आप सभी का मैकलरन अपडेट के द्वारा। कुछ भी करके भाई उनको देना ही देना है। अब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ क्या क्या है वहाँ पे, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है उसके बारे में आप सभी को दिखा देता हूँ। तो क्रेडिट तो जाता है मैट तमीजा भैया को क्योंकि उन्होंने लीक्स मेरे को प्रोवाइड किया है, तो थैंक यू मैट तमीजा भैया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई जहाँ पे PUBG मोबाइल लिखा था वहाँ पे मैकलरन लिख उठा है भैया, या तो बैटल मोबाइल लिखना था लेकिन तो उतना बड़ा दाम नहीं आने वाला तो इसीलिए उन्होंने भैया सोचा कि मैकलरन ही लिख देना चाहिए। तो यार इतना तो आप सभी को पता हो गया होगा कि अब मैकलरन आप सभी को वापस देखने को मिल जाएगा। और अब चलिए बात करते हैं आप सभी को डाटा ट्रांसफर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। तो गाइज मेरे को पता है बहुत ज़्यादा इंस्टा पे आ रहा था कि भैया मेरे को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है योर अकाउंट इज़ करंटली इन, जो भी लिखा था उसको छोड़ो। यहाँ पे आप सभी को मैं बता देता हूँ ये तो कॉमन है भैया, ये प्रॉब्लम आने ही आने वाला था कि भाई आप सभी को पता है क्राफ्टन वालों ने पहले ही बता दिया था कि आपका जो डाटा ट्रांसफ़र है वो क्लोज होने वाला है क्योंकि 1.5 का अपडेट आने वाला है। तो भाई उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना था इसीलिए यार उन्होंने डाटा ट्रांसफ़र क्लोज कर दिया था। लेकिन तो आप भाई ज़्यादा टेंशन मत लो, आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस आप सभी को क्या करना है, वेट करना होगा और कुछ नहीं करना है गाइस। आप सभी को वेट करना है, जिन जिन में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है उनको वेट करना है क्योंकि 1.5 का अपडेट आने के बाद वो खुद ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं, डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होने वाला है, आप सब डाटा ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो इसलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।